स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला कैनबरा के मैदान में, जिसमें भारत ने जीत हासिल की। देखिए, दो मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलिया टीम है उसने 2-0 से सीरीज अपने नाम करी। लेकिन भारतीय टीम के जो आज कल बल्लेबाज देखने को मिले वो विराट कोहली, जिसने 12,000 रन पूरे करे, वहीं उनके साथ रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, तीनों ने अर्धशतक बनाकर टीम को जीत हासिल करवाई। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करते हो तो हार्दिक पांड्या ने 92 रन के साथ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और उसी के साथ उन्होंने संजय मांजरेकर, जी हां, पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर को भी गलत साबित कर दिया। संजय मांजरेकर का ये कहना था, उन्हें ये शंका थी कि हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज जो है वो अच्छे बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन कल का मैच देखने के बाद मांजरेकर ने उनकी जमकर तारीफ की और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आईपीएल के आधार पर जो है टीम का चयन किया था और उनकी जगह मनीष पांडे को टीम में लिया था। लेकिन कल का मैच देखने के बाद मांजरेकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अब भारतीय टीम को छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एक बेहतरीन परफेक्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज मिल गया है और आगे आने वाले मुकाबलों में उनकी बल्लेबाजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी वो बहुत खुश है कि भारतीय टीम को छठे नंबर पर एक परफेक्ट बल्लेबाज मिल गया है। वहीं आपको हार्दिक पांड्या के स्कोर बता देते हैं कि तीनों ही मैच में उनके 90, 28 और 92 रन है और कल का मैच उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच के जो है खिताब जीता। तो देखते हैं आगे आने वाले मुकाबलों में हार्दिक पांड्या और अपनी बल्लेबाजी से और दर्शकों को कितना खुश करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।